तो गाइस फाइनली एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक बहुत ही कमाल की खबर यहां पर निकल के आई है। कल ही हुए इंटरव्यू के अंदर एचडीएफसी बैंक के जो नए सीईओ है शशिधर जगदीशन, उन्होंने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर नए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने का जो बैन लगाया था उसे आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर फाइनली यहां पर लिफ्ट किया जा सकता है। तो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइज, मैं हूं विशाल और आज हम बात करेंगे एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, कब जो है आप एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड्स को यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर जो है आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले। मैं जो है क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहता हूं। गाइस मेरे एनालिटिक्स में मैंने यहां पर अभी चेक किया है 95% मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट भी आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो गाइस चलिए अब फिर से बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि लास्ट ईयर दिसंबर से लेकर के जो है अभी तक एचडीएफसी बैंक एक भी क्रेडिट कार्ड नया इशू नहीं कर पाया है। आरबीआई ने जो है एचडीएफसी बैंक को डिफॉल्टर माना था 2018 से लेकर के, लगातार जो है एचडीएफसी बैंक का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर आप ऐसा कह लीजिए जो डेटा सेंटर है जहां पर वो अपने क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के डेटा को सेव करता है उसके अंदर जो है पावर आउटेजेस के इश्यूज वहां पर जो है आरबीआई को देखने को मिले थे। तो इसकी वजह से है गाइस होता ये था कि जितने भी कस्टमर्स हैं क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स जब भी वो लॉगिन करते थे एचडीएफसी बैंक की सेवाओं को एक्सेस करने के लिए तो वो वैसा वहां पर नहीं कर पाते थे या नेट बैंकिंग के जितने भी सेशंस हैं वो अब्रप्टली जो है वहां पर डिस्कनेक्ट हो जाते थे। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो है आरबीआई ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि इंडिया का जो सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड इश्यूअर बैंक है जिसके 1.5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं उसके ऊपर जो है बैन लगा दिया जाए। और दिसंबर महीने से लेकर के अभी तक जो है एचडीएफसी बैंक को यहां पर लगभग 6 लाख कस्टमर्स का यहां पर नुकसान उठाना पड़ा है। अपने क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो अपने 6 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को यहां पर गवा चुका है। इसका फायदा जो है एचडीएफसी के जो राइवल बैंक्स हैं जैसे कि आईसीआईसीआई और एसबीआई ने अभी उठाया है। आईसीआईसीआई ने अब पिछले 6 महीनों के अंदर यानी मई 2021 तक जो है 11 लाख नए कस्टमर्स को यहां पर अपने क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में ऐड किया है। और अगर मैं एसबीआई बैंक की बात करूं तो एसबीआई ने भी यहां पर 6 लाख से ज्यादा नए कस्टमर्स को अपने साथ में जोड़ लिया है। तो गाइस फाइनली अब जो है एचडीएफसी बैंक को यहां पर ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। आरबीआई जो है बहुत ही जल्दी एचडीएफसी के ऊपर लगे बैन को हटा सकता है। कल ही जो है लेटेस्ट यहां पर एक इंटरव्यू दिया है एचडीएफसी बैंक के सीईओ ने, आप यहां स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 85% से ज्यादा उन्होंने काम पूरा कर लिया है। आरबीआई के जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले थे उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए उसे उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एजेंसी जो है यहां पर एचडीएफसी के काम की किस तरीके से जो है वो आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो उसने भी जो है अपनी एक जो है फाइनल रिपोर्ट यहां पर प्रिपेयर की है और उसने जो है इस रिपोर्ट को आरबीआई को सौंप दिया है। और बस अब आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस का वेट है कि कब जो है एचडीएफसी को ये ग्रीन सिग्नल मिले। अब अगर मैं बात करूं कि कब तक जो है हमें ये बैन हटने को देखने को मिल सकता है तो गाइस आप जो है इस महीने के एंड तक या फिर जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में आरबीआई की तरफ से ये अनाउंसमेंट सुन सकते हैं कि एचडीएफसी जो है अब नए क्रेडिट कार्ड्स को यहां पर इशू कर पाएगा। तो आई थिंक गाइस ये एक बहुत ही कमाल की खबर है उन सभी लोगों के लिए जो एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करने का वेट कर रहे थे काफी टाइम से या फिर जो लोग एचडीएफसी के अभी एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि गाइस इस बैन के हटने के साथ ही एचडीएफसी बैंक बहुत ही धमाकेदार क्रेडिट कार्ड ऑफर्स जो है मार्केट के अंदर लेके आएगा और जैसे ही उनका ये रीलॉन्च होगा वो बहुत ही देखने वाला होगा क्योंकि हमें बहुत अलग अलग तरीके की यहां पर सर्विसेज और बेनिफिट्स यहां पे देखने को मिलेंगे। इस बात को जो है एचडीएफसी बैंक के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो हेड है नीरज राव, उन्होंने भी जो है अपने अभी एग्जिस्टिंग जो लास्ट के कुछ 1-2 महीनों में इंटरव्यूज दिए हैं उनमें उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने से जो है एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को इंप्रूव करने के ऊपर काम कर रहा है। यहां पर जो है वो नए नए फिनटेक के जो स्टार्टअप्स हैं या एक्सेलरेटर्स हैं उनके साथ यहां पर पार्टनरशिप कर रहा है और किस तरीके से जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर नई सर्विसेज को नई इनोवेटिव सर्विसेज को ऐड कर सकता है या फिर अपने कस्टमर्स को बेनिफिट पहुंचा सकता है इसके ऊपर वो लोग काम कर रहे थे पिछले 6 महीने से। उन्होंने यहां पर नए नए वेंडर्स के साथ भी पार्टनरशिप की है ताकि जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड का जो है ओवरऑल जो बेनिफिट्स हैं वो अपने कस्टमर्स के लिए बढ़ा सके। तो गाइस आई थिंक ये एक बहुत ही कमाल की खबर है और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। गाइस अगर एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मेरी जो है इंस्टाग्राम आईडी आपको यहां स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को जाने से पहले लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा और मैं मिलता हूं आपको एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में नेक्स्ट।